गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हरी एजुकेशन चैनल। माय नेम इज पंकज जांगड़ा और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जो हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, आप कह सकते हो बेस्ट टेस्ट। ओके, तो देखिए ये कुछ मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हैं और अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप फटाफट एक बार इन क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन कौन से आंसर आपको, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपको पता है। तो एक सेकेंड के लिए आप अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। टेक योर टाइम। तो देखिए आपने पोज करके अच्छे से आराम से इनका सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको कितने शब्दों और कितने जो क्वेश्चंस हैं उनका मीनिंग अच्छे से पता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए ध्यान से। रानी स्पीक्स ब्लैंक इंग्लिश बट हर हस्बैंड स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली। देखिए सबसे पहला यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमने 4 ऑप्शंस देखे हैं यहां पे। पहला ऑप्शन दी है, दूसरा नो आर्टिकल, सेकंड के अंदर पहला तो नो आर्टिकल, दूसरा दी है, थर्ड के लिए पहला दी है, चौथा आपका सेकंड ए है और फोर्थ ऑप्शन में दोनों ही नो आर्टिकल है। नो आर्टिकल का मतलब ऐसी जगह जहां पर उन शब्दों से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना, आर्टिकल मतलब ए एन दी। और फोर्थ है जो केवल हरियाणा के अंदर आता है, वो होता है 0 आर्टिकल। ये जो नो आर्टिकल है ये आपको हर जगह लिखा मिलेगा, लेकिन 0 आर्टिकल है केवल और केवल हरियाणा में लिखा मिलेगा। तो 0 आर्टिकल बोल दो चाहे नो आर्टिकल बोल दो, दोनों की बात सेम है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रानी स्पीक्स ब्लैंक इंग्लिश। आप लोगों को पता है कि अगर इसे यह बोलती है, रानी बोलती है तो बोलने में क्या आती है, सिर्फ भाषा। तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। मैं हिंदी में लिखता हूं इसको, इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है। बट हर हस्बैंड स्पीक्स ब्लैंक फ्रेंच, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो क्या बोलता है, फ्रेंच बोलता है। तो उसके हस्बैंड भी अगर बोलता है तो क्या बोलेगा, वो भी भाषा बोलेगा, ठीक है। तो देखिए ये भी क्या हुई, भाषा हुई, मतलब इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और फ्रेंच भी एक लैंग्वेज है फ्रेंड्स। तो देखिए आप लोगों को मान लो नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, या आपने जो भी टिक किया है मुझे नहीं पता, आपने अपना अपना टिक कर लिया होगा, सोच लिया होगा कि इसके अंदर ए ऑप्शन आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखिए ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, पहले ऑप्शन में अगर आपने गलती से ए ऑप्शन पुट कर दिया, सपोज करो आपका जो आंसर है वो ए है, ये आपको बताते हैं अभी कौन सा आएगा, लेकिन मान लो कि आपने अपना आइडिया लगाया कि इसके अंदर दी लिख दिया, सपोज करो इसमें दी लिख दिया आपने और इसके अंदर आपने 0 आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल नहीं लिखा। तो फ्रेंड्स एक बात आप लोग खूब समझदार इस बात को समझो, इस बात को कि इंग्लिश एक भाषा है, भाषा से पहले अगर दी लगा दिया आपने, ठीक है लगा दिया, आपको नहीं पता रूल का, नहीं पता, जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको रूल देखना है, नहीं, वो आपका माइंड भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है वो चेक हो रहा है, आपको आपसे रूल नहीं पूछे जा रहे। इंग्लिश में रूल बहुत कम पूछे जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। ऐसे मैथ में, ठीक है ऐसे फिजिक्स में, ठीक है ऐसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, व्हाट एवर यू स्टडी। तो देखिए यहां पर इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है, भाषा से पहले यहां पर दी लगा दिया तो फ्रेंड सीधी बात है यहां पर भी भाषा है, भाषा से पहले क्या आना चाहिए था, दी आना चाहिए था, क्योंकि दोनों भाषा है और भाषाओं के नाम से पहले यहां पर आप दी लगा रहे हो तो यहां पर भी क्या होना चाहिए था, दी होना चाहिए था। मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, पहला ऑप्शन नहीं आ सकता, इसको हमने क्रॉस कर दिया कि यहां पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स एक बार हम, तो देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या था, सेकंड ऑप्शन में मान लो किसी ने सेकंड ऑप्शन को अगर करेक्ट किया है तो देखिए सेकंड ऑप्शन में पहले पे क्या है, नो आर्टिकल। मान लो आपने इंग्लिश से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं भरे तो फ्रेंड सीधी सीधी बात है, कॉमन सेंस है, इसमें दी क्यों आएगा, समझ रहे हो मेरी बात। मान लो कि इंग्लिश से पहले कोई आर्टिकल नहीं है तो सीधी बात है फ्रेंच से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। तो सीधी बात यह है कि यह भी ऑप्शन अपना फिट नहीं है, क्योंकि दोनों भाषा है तो दोनों सेम प्रेपोजिशन की या सेम आर्टिकल की डिमांड करते हैं, तो यहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये भी नहीं आ सकता अपना आंसर, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन को देखिए जल्दी से। आपने मान लो किसी ने सी ऑप्शन को फिट कर दिया तो सी ऑप्शन में भी सेम वही बात है, पहले में आपने लगाया दी और दूसरे में लगाया
ए। तो देखिए ये भी इंग्लिश भाषा है और ये भी फ्रेंच भाषा है, तो इससे पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। सीधी बात ये है कि ये थर्ड ऑप्शन है, इसको भी हमने क्रॉस कर दिया है। बच गया कौन सा ऑप्शन? ऑटोमेटिक फोर्थ ऑप्शन। मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। कब? जब ये दोनों के दोनों भाषा है। तो फ्रेंड सीधी बात यह है कि आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि नो आर्टिकल कब आता है। नो आर्टिकल मीन्स जीरो आर्टिकल, मतलब ऐसी जगह जहां पर आर्टिकल कब नहीं आता। ये अब आपको पता चल गया इसका आंसर क्या आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो देखिए नो आर्टिकल कब आएगा? पॉइंट नंबर वन, नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं के नाम से, भाषाओं के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नेम ऑफ लैंग्वेज। दूसरा है नेम ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब किसी भी खेल के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं जोड़ना है। पेपर में आपको जरूरी नहीं कि लैंग्वेज लिखा मिले, कोई खेल मिल जाए, जैसे यहां पर मिल जाए क्रिकेट और यहां पे मिल जाए फुटबॉल, समझ गए? तो किसी भी खेल के नाम से पहले, किसी भाषा के नाम से पहले, किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कुछ भी आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तीसरा है अपना किसी भी बीमारी के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। और उसके बाद है कोई लंच, लंच हो मतलब लंच लिखा मिले आपको, ब्रेकफास्ट लिखा मिले, और चाहे में लिखा मिले डिनर, इनके नाम से पहले, इन शब्दों से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। याद रखना, बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और क्वेश्चन हरियाणा के पेपर में यहां से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसलिए पेपर से बस दो चार दिन पहले अगर आप इन चीजों को पढ़ लेते हो तो वही चीज पेपर मिलती है तो कितना मजा आएगा, मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल ही आपका चेंज हो जाएगा। नो आर्टिकल मतलब नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी जूलॉजी जो भी आपने पढ़ा है वो सब सब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल नहीं आता। किसी बीमारी से पहले जैसे एड्स है, डेंगू है, आपका चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, कोई बीमारी हो कोई आर्टिकल नहीं आता। लंच लिखा मिले, लंच से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, डिनर से पहले, कोई भी फूड आ जाए, फूड, नो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल का यूज इनके साथ आपको करना है, याद रखोगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए एक बार इनको मैं मिटा देता हूं, फटाफट राइट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है अपना, आई वेंट टू मार्केट टू बाय ब्लैंक इंक। आपने सोच लिया होगा आपका आंसर क्या है? बिल्कुल जो आपने सोचा वो नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार किस किस का ये सही है, किस किसने सही लगाया, किसने गलत लगाया। तो मुझे लग रहा है आप लोगों का जो आंसर है वो एन आना चाहिए, राइट? आप लोगों ने सबने एन लगाया होगा, और अभी मैंने क्या कहा, अगर आपने एन भर दिया इसके अंदर तो वो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर हम तो बचपन से एन इंक पढ़ते आए हैं, है ना, एन इंक एन इंक, लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है। आप कहोगे ऐसा क्यों, तो एक बात बताओ, इस चीज को पढ़ने से पहले इस चीज को एक बार समझ लेते हैं, यहां पर क्या आएगा, क्यों आएगा, वो एक बार बाद में देखेंगे, पहले इंक से पहले एन क्यों नहीं है इस चीज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार समझो, मान लो कि इंक है, इंक मैं ना लिख के मैं यहां पर लिख देता हूं वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर, यहां पर लिखता हूं मिल्क, और यहां पर लिखता हूं इंक, राइट? तो एक बात बताओ, आप लोग खूब समझदार हो, यहां पर वाटर से पहले क्या आना चाहिए? ए एन डी में से कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर कैसी नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? आप कहोगे सर काउंटेबल क्या होती है, अनकाउंटेबल क्या होती है? काउंटेबल, काउंट मानी गिनना, एबल मानी योग्य, जो गिनती के लायक हो, मतलब जिनको गिन सके वो क्या होंगी, काउंटेबल, और जिनको नहीं गिन सकते वो क्या होती है, अनकाउंटेबल, मतलब जिनको ना गिना जा सके। तो वाटर कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, वाटर अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब जब गिन ही नहीं सकते तो इससे पहले ए और एन लगाना गलत है, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है, एक, और जब एक मतलब पानी को गिन नहीं सकते तो एक पानी कैसे हो सकता है, बात समझ में आई कुछ? ठीक है, तो वाटर से पहले ए नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे बात करते हैं, मिल्क, मिल्क माने दूध, दूध को गिन सकते, एक दूध दो दूध कभी नहीं हो सकता, मतलब इससे पहले भी ए नहीं आ सकता, क्योंकि ये नाउन भी कैसी है,
अनकाउंटेबल, मिल्क माने दूध, दूध को भी नहीं गिन सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बात बताओ, इंक जो है वो कैसी नाउन हुई, काउंटेबल हुई कि अनकाउंटेबल हुई? इंक भी पानी के जैसे होती है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये भी कैसी नाउन हुई, ये भी अनकाउंटेबल नाउन हुई। और आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसीलिए इससे पहले ना तो ए आएगा ना एन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और दी आर्टिकल को फालतू में नहीं चिपकाना है, दी आर्टिकल स्पेशल जगह पे आता है। इस पार्ट को खत्म करने के बाद इनके ऊपर मैं थोड़ा बहुत फोकस करूंगा, देखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए यहां पर ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन का मतलब क्या था, एक। तो आपने कभी एक शाही बोला? नहीं, एक शाही तो नहीं बोला। आपने क्या पढ़ा होगा? आप कहोगे सर पढ़ तो रखा है, लेकिन वो क्या पढ़ा था ये समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने पढ़ा था इंक पॉट, क्या पढ़ा था आपने? इंक पॉट। हाँ, अब याद आ गया, बिल्कुल सही। तो इंक पॉट आप खरीद सकते हो, तो आपने इंक पॉट खरीदा, तो किस चीज को गिना आपने? पॉट को। पॉट माने दवात, बर्तन, कोई भी ऐसा कंटेनर, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर हम किसी चीज को रखते हैं। तो ऐसी चीज खरीदी जिसके अंदर इंक रखी जाए, तो क्या होगी? इंक पॉट। तो आपने इंक पॉट अगर लिखा है, तो इंक पॉट में पॉट को गिना है, तो एन आ सकता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एन इंक पॉट, एन इंक पॉट, बिल्कुल सही है, ठीक है। एन इंक पॉट लिखना बिल्कुल सही है, और यहां पर इंक से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। इसलिए आप लोगों ने जो भी सोचा था, जो भी समझा था, वो अब आप अपना जो आंसर था वो चेंज कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? नो आर्टिकल। और इंक के बाद पॉट आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा? एन इंक पॉट। बात समझ में आई? वेरी गुड। पेपर के हिसाब से दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ो। तीसरा है यहां पर, रीना प्रेफर्स कॉफे ब्लैंक टी, रीना प्रेफर्स कॉफे ब्लैंक टी। मतलब अब आप इस चीज को पढ़ो और पढ़ के मेरे को बताओ क्या आना चाहिए। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, मुझे भी पता है आपने कौन सा आंसर टिक किया है, लेकिन वो सही नहीं है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं इस क्लास के अंदर, इस सेशन में, जिनका आंसर टू है, और जिनका आंसर टू है उनका ये बिल्कुल सही है। तो आप लोगों का जो ध्यान था वो बिसाइड्स पे होगा, है ना, बिसाइड्स। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान राधर देन के ऊपर भी था, थोड़े बहुत, जिनको हिंदी आती है, सेंस निकालनी आती है, वो राधर देन को उठा के बैठे थे। कुछ लोग बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर बिसाइड था। अब मैं आपको बताता हूं किसका मतलब क्या होता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रेफर का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। तो प्रेफर जो वर्ड है, इस प्रेफर माने होता पसंद करना, या इसका हम ज्यादा सही जो मीनिंग होगा वो होगा इसका प्राथमिकता देना। मतलब आपने किसी चीज को प्राथमिकता दी है, उस चीज को सबसे पहले नंबर पर रखा है, प्राथमिकता देना। मतलब आप चाय और कॉफी में, चाय और कॉफी में कॉफी को पहले नंबर पर रखते हैं। अगर चाय और कॉफी रखी हुई है तो चाय सबसे पहले लेंगे और कॉफी को आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो चीजें दोनों पसंद है आपको, दोनों चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन चाय और कॉफी दोनों एक जगह रखी हुई है, आप किस चीज को उठाओगे? कॉफी को। तो कॉफी को प्रेफरेंस दी है आपने, प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता देना। तो देखो एक बार, बिसाइड माने होता पास में, कोई चीज आपके पास में है, कोई चीज आपके नजदीक है, उसके लिए किसका यूज करेंगे? बिसाइड का, ठीक है। बिसाइड माने पास में। रादर देन के मतलब होता की बजाय, की बजाय। इनकी हिंदी लिखते चलना, क्योंकि ये पेपर में हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चा किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, सीजीएल की, सीपीओ की, या फिर आपके हरियाणा के किसी भी एग्जाम की, एयरफोर्स की, नेवी की, डीएसएसबी की, ठीक है, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। इनका लेवल काफी हद तक सही है अगर बात की जाए ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, ठीक है, तो काफी अच्छे हैं, नेवी एयरफोर्स के लिए भी बेस्ट है ये। तो देखिए एक बार, बिसाइड्स माने होता के अतिरिक्त, के अलावा, के सिवाय, के अतिरिक्त, इनका मतलब ये होता है। आप कहोगे सर इसमें ज्यादा सही तो मेरे को लग रहा है की बजाय, रीना प्रेफर्स कॉफी, रीना कॉफी पसंद करती है, चाय की बजाय, है ना, ज्यादा सही लग रहा है, रीना प्रेफर्स कॉफी रादर देन टी, चाय की बजाय, तो ये ऑप्शन आना चाहिए था। और या फिर ये आना चाहिए था कि रीना चाय के अलावा, चाय के अतिरिक्त, चाय के सिवाय, चाय को छोड़कर,
काफी पसंद करती है, काफी को प्राथमिकता देती है। सर ये दोनों ही आंसर मैच कर रहे हैं तो ये क्यों आया? तो प्यारे बच्चे ध्यान से सुन लो, यहां पर हिंदी नहीं देखनी आपको, हिंदी के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो हिंदी बेस्ड नहीं होता, आपका पेपर स्ट्रक्चर बेस आता है, स्ट्रक्चर बेस। तो आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है रादर देन हिंदी, हिंदी की बजाय किस पे फोकस करना है? स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर कहता है कि जिस सेंटेंस में प्रेफर आ जाए, क्या जाए? प्रेफर। तो प्रेफर वाले सेंटेंस में हमेशा किसको प्रेफर करना है? टू को, ठीक है। तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या सही है अपना? टू। तो रीना प्रेफर्स कॉफी टू टी, ठीक है। अलग अलग पेपर्स में इनका जिक्र किया गया है, लेकिन ज्यादा सही क्या यहां पे? टू है। आगे है, दिनेश एंड हिज वाइफ बोथ आर ब्लैंक ऑन मीटिंग फॉरेनर्स। दिनेश और उसकी वाइफ दोनों के दोनों फॉरेनर्स, जो विदेशी जो लोग होते हैं उनसे मिलने में बिल्कुल क्या रहते हैं, उनको मिलने के लिए क्या करते हैं वो लोग? इनको चार ऑप्शन से आपने उनको पढ़ना है, तो देखना है एक बार उनको मिलने के लिए क्या करते हैं, उनको फ्रेंड बनाना चाहते हैं, और मतलब देखते हैं एक बार। चार ऑप्शन हैं यहाँ पे, वेरी, तो देखिए दिनेश एंड हिज वाइफ बोथ आर ब्लैंक ऑन मीटिंग फॉरेनर्स, तो यहां पर कीन आएगा, फोंड आएगा, इनडिफरेंट आएगा, सैडिस्ट आएगा। चार ऑप्शंस मैंने लिख दिए, लेकिन प्यारे बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं जो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप मुझे पता है कौन से ऑप्शन को प्रेफर कर रहे हो। तो देखिए एक बार ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, अगर आपने आंसर लगाया ए तो ए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ए ऑप्शन किया था टिक, तो देख लो एक बार कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया था। कीन, देखिए कीन मानी होता है जिज्ञासु, कीन का मतलब क्या होता है? उत्सुक होना, जिज्ञासु होना। तो एक बार मैं इनकी हिंदी लिख देता हूं, आप भी साथ साथ लिख लो, क्या पता एंटोनिम सिनोनिम में आ जाए, क्या पता आपके क्या बोलते हैं ये फिलप्स में आ जाए, ठीक है। तो लिखते चलना, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलते रहेंगे, या फिर आपके डेली लाइफ में यूज कर लो। कीन माने उत्सुक होना, जिज्ञासु होना, कीन माने जिज्ञासु, कीन का मतलब क्या होता है? जिज्ञासु। आप कहोगे सर इसका मतलब जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु उत्सुक। तो फोंड का मतलब शौकीन होता है, फोंड माने क्या होता है? शौकीन, शौक है उनको विदेशियों से मिलने का, उनको दोस्त बनाने का, है ना। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, उदासीन मतलब जिसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, न्यूट्रल जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, मतलब ऐसा इंसान जो ना तो खुशी को देख के खुश होता है ना दुख को देख के दुखी होता है, मतलब वो न्यूट्रल रहता है, ना तो खुश है ना दुखी है। आप लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए, इनडिफरेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो कैसा होता है? इनडिफरेंट होता है, मतलब उनको ना तो इस पार्टी से कोई लेना देना ना इस पार्टी से कोई लेना देना, जो सही है उसकी तरफ वो मुड़ जाता है। और सैडिस्ट होता है जो दूसरों को दुख दे, सैडिस्ट कैसा इंसान होता है? जो दूसरों को सैड कर दे, ठीक है, और खुद को खुशी मिले, मतलब ऐसा इंसान जो दूसरों को दुखी करके खुश होता है उस इंसान को सैडिस्ट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ठीक है यहां पर शौकीन वर्ड क्यों नहीं आया, तो प्यारे बच्चों यहां पर मेन जो फोकस था वो आपको इसके ऊपर करना है, ऑन के ऊपर, क्योंकि फोंड के बाद हमेशा आता है ऑफ, फोंड के बाद क्या आता है? ऑफ, और यहां पर क्या है? ऑन। बात समझ में आ गई? और कीन के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑन, कीन ऑन। इनडिफरेंट के बाद क्या आता है? टू। सैडिस्ट के बाद क्या आता है? टू। इन चीजों को आपको याद रखना है, जरूरी है कि यही पूछे, इनमें से भी कोई भी पूछ सकता है, ए टू जेड चीजें याद करते चलना। अभी फटाफट इनको आप उतार लो, इसमें ए आंसर सही है, मैं आपको चार से पांच क्वेश्चन और लिख रहा हूं, तब तक आप इनको उतार लो। तो फ्रेंड्स जैसा आपने पिछले चार क्वेश्चन देखे तो आपके तो दिमाग में आ रहा होगा कि चार क्वेश्चन किए हमने, जी नहीं, आपको लग रहा होगा 20 मिनट में सर चार ही क्वेश्चन हुए, ओनली चार क्वेश्चन, बिल्कुल गलत सोचा आपने। 20 मिनट में हमने चार की बजाय हमने 10 से भी ज्यादा रूल्स पढ़ लिए, प्रेपोजिशन बेस्ड, साथ के साथ में वोकैब भी हमने डेवलप की है काफी अच्छी, उसके अलावा आपने आर्टिकल भी पढ़े और ये भी पढ़ा आर्टिकल कहां नहीं आते, इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा कि आर्टिकल अगर आपको ना भी आए तो कैसे कैसे हम उनको सेट कर सकते हैं ऑप्शंस को देख के। तो आपने अभी देख रहे होंगे आपके मेरी बातों पे ध्यान कम है, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको ज्यादा पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं? चलो ठीक है, अगर आपकी इतनी ज्यादा जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो एक बार हम इसको फटाफट देख लेते हैं। आपको अभी एक वॉइस चेंज करनी है, चेंज द वॉइस,
ठीक है। तो देखिए आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस। ये जो सेंटेंस इसको एक्टिव में है अपना, इसको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टिव सेंटेंस कौन सा है और पैसिव सेंटेंस कैसा है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, बस जिस सेंटेंस में काम का करने वाला मौजूद हो कि यह काम उस व्यक्ति ने किया है, अगर उस व्यक्ति के बारे में आपको पता है तो एक्टिव, और आपको नहीं पता तो पैसिव। काम का करने वाला नहीं पता तो पैसिव। आप कहोगे सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझ लो, मान लो साइड कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो रोड बना रहे हैं, ठीक है, रोड बनने का काम चल रहा है। तो आप, मैं आपसे पूछूं कि भाई इस साइड से क्यों आए आप लोग, हमेशा इस साइड से घूम के आते हो, आज इस साइड से क्यों आए? आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, आप एक ही जवाब दोगे कि सर रोड बन रहा है। यही बोलोगे ना आप लोग, सर रोड बन रहा है। अब एक प्यारे बच्चे एक बात बताओ, रोड बन रहा है इस सेंटेंस में रोड कौन बना रहा है? पता चला कुछ? लगाओ दिमाग। नहीं पता चला। रोड कौन बना रहा है? हमें नहीं पता। सेंटेंस को पढ़ के बिल्कुल नहीं पता। कर्मचारी रोड बना रहे हैं, ठेकेदार रोड बना रहे हैं, पब्लिक रोड बना रही है, या फिर रोडे जो हैं, रोडियां वो अपने आप डलने लग रही है, चारकोल अपने आप पड़ रहे हैं? नहीं। तो इस सेंटेंस में आपने देखा रोड बन रहा है, वो पैसिव वॉइस में है, काम का करने वाला नहीं पता। तो यहां पर देखो, रमन हैज प्रोक्योर्ड हिज गोल, रमन ने अपना गोल प्राप्त कर लिया है। प्रोक्योर जो वर्ड है इसकी आप हिंदी देख लो, जल्दी से पेपर में आ सकता है। प्रोक्योर माने होता है प्राप्त करना, प्रोक्योर माने प्राप्त करना, गेट करना, एक्वायर करना। इसकी सिनोनिम मैं लिखवा दूंगा, पहले फिलहाल फोकस करते हैं अपनी वॉइस के ऊपर। तो देखिए रमन ने काम किया है, सीधी बात है, तो एक्टिव वॉइस, और हमें चेंज किस में करना है? पैसिव वॉइस में। तो देखिए पैसिव वॉइस में फ्रेंड्स एक बात आपको याद रखनी है कि पैसिव वॉइस वो होंगी जिसके अंदर यहां पर ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है, दोनों वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मतलब वर्ब है, और इसके अंदर ये क्या अपना ऑब्जेक्ट है। तो मतलब याद रखना आपको हमेशा ऑब्जेक्ट को, इसको उठा के सबसे आगे रखना है, पैसिव वॉइस बन जाएगी। चार ऑप्शन में देखा आपने, चारों में हिज गोल को मैंने आगे लिख रखा है। अब आप देखो यहां पर भी प्रोक्योर्ड है, यहां पर भी प्रोक्योर्ड है, यहां पर भी प्रोक्योर्ड, यहां पर भी बाई 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 बाई, इसके बाद रमन 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 रमन। मतलब आपने देखा इस सेंटेंस में चारों सेंटेंस लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उनमें फर्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखो जल्दी से, इनके अंदर जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ है अपना हेल्पिंग वर्ब का। देखो जल्दी से, यहां पर वॉज है, यहां पर कैन बी है, यहां पर क्या है हेड, और यहां पर क्या है हेज, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुन लो, आपने अपना आंसर पिक कर लिया होगा कि आपका आंसर ये है, जो भी है ध्यान से सुनना अब मैं जो बात बताऊं, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, आपके पेपर भी लगभग इसी टाइप का आता है, और जो डिफरेंट होगा वो अगले प्रैक्टिस सेट पार्ट टू के अंदर मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा आपको, फिर से आएगी उसमें अलग टाइप की आएगी, थ्री में अलग आएगी, फोर में अलग आएगी, फिफ्थ में अलग आएगी, आप देखना ना भूलें। सारे पार्ट को देखिए और आपका जो वीडियो है वो एंड तक देखिए। तो देखिए यहां पर क्या है फ्रेंड्स, जल्दी देखो, मेन क्या है यहां पर? हैज। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये जो है ना हैज, ये चेंज नहीं होगा, समझ में आ रही बात? अभी लिख लो कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होंगी, टेंस चेंज नहीं होगा, याद रखना। यहां पर हैज है तो इसके इसके अलावा सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा हैव हो सकता है, हैज और हैव के अलावा कोई भी वर्ड दिख जाए तो 100% गलत होगा, याद रखोगे इस बात को। तो इस सेंटेंस में क्या आया? वॉज। यहां पर क्या है? हैज। तो हैज का क्या होना चाहिए? या तो हैज होना चाहिए और या फिर क्या होना चाहिए? हैव। एक बार मैं लिख देता हूं, देखो, या तो सेंटेंस में क्या हो सकता है? हैज, और या फिर क्या हो सकता है? हैव। इन दोनों का आपस में पेयर है, एक्टिव से पैसिव जब बनाओ तो हैज हैव में से ही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगर सेंटेंस में हैड आया है एक्टिव वॉइस में, ऊपर वाले सेंटेंस में अगर हैड है तो नीचे वाले चार ऑप्शंस में ये आपको हेड ढूंढना, हेड किस में है। तीसरी बात, अगर सेंटेंस में इज एम या आर आया है तो आपको इज एम आर ही ढूंढना है, इज एम आर कहां है। और आपको अगर सेंटेंस में लगे वाज या वर आया है तो आपको सेंटेंस में वाज और वर ही ढूंढना है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन है इन्हीं में से आ जाते हैं। और सेंटेंस में अगर विल या शैल है तो केवल विल और शैल में से ही आएगा, इसके अलावा एक अक्षर भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब अपने लिए हो गया आसान कि ये बताना कि आंसर कौन सा है। तो देखो यहां पर सेंटेंस में क्या है? हैज। और सेंटेंस में हैज आया है तो अपने पास ऑप्शंस में ज्यादा ज्यादा क्या मिल सकता है? या तो हैज मिल सकता है या हैव मिल सकता है, इसके अलावा जो भी मिलेगा वो सब गलत होंगे,
इस सेंटेंस में क्या मिला? वॉज. सेंटेंस कैसा हो गया? गलत. ये नहीं हो सकता. आपने सेंटेंस पढ़ा भी नहीं, चुटकियों के हिसाब से आपने फटाफट सेंटेंस को इनकरेक्ट बता दिया. ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है. तीसरा, यहां पर क्या है? कैन है क्या इसमें? कैन नहीं है. तो कैन नहीं है तो यहां पर क्यों लगाया? क्या आ सकता था? है जाओ. ये भी गलत. तीसरा, इस सेंटेंस में क्या कर दिया? हेड. बहुत सारे बच्चों का आंसर यही होगा. आपने बहुत सारे बच्चों ने हेड कर वाला आंसर सही कर दिया होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि सर है जाओ को हेड में बदलते हैं. पढ़ रखा है ना, इज एमआर को वाच वर्ब में बदलते हैं, डू डज को डिड में बदलते हैं. पढ़ रखा होगा, बिल्कुल सही कहा आपने. कैन का कुड में, विल का वुड में, मे का माइट में बदलते होंगे, लेकिन वो प्यारे बच्चों नरेशन में बदलते हैं. किस में बदलते हैं? नरेशन में. और फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? वॉइस. तो अगर पेपर से थोड़े दिन पहले, दो तीन दिन पहले अगर ये बात दिमाग में रख लो आप और एक बार ढंग से देख लो, तो पेपर में आपको लिखा मिलेगा ये, आपको पता चलेगा वॉइस. और वॉइस में टेंस नहीं बदलता, बस ये बात याद रखनी है. वॉइस में टेंस नहीं बदलता, तो हैज का हैज होना चाहिए. यहां पर वाज था, यहां पर कैन था, यहां पर हैड था. ये भी गलत, क्योंकि हैज का हैज होना चाहिए, या ज्यादा ज्यादा क्या आ सकता है? हैव. और देखो हैड की कैटेगरी दूसरी है, हैड अलग जगह पे है. आंसर ऑटोमेटिक क्या आ गया? ये सही है. बात समझ में आ गई? आंसर अपना हिज गोल हैज बीन प्रोक्योर्ड बाई रमन. प्यारे बच्चों एक बात ये भी याद रखो, इसके अलावा एक बात और याद रखनी है आपको, हैज हैव के बाद आपको सेंटेंस में बीन लगाना मत भूलना. बीन जरूर लगेगा. हैज हैव के बाद क्या लगेगा? बीन लगेगा, तब ही पैसिवोइस बनेगी. हैज हैव के बाद बीन नहीं लगाया तो पैसिवोइस नहीं बनेगी. देख लो, हैज हैव के बाद क्या लगाया हमने? बीन. तीसरी बात, हेड के बाद भी क्या लगेगा? बीन लगेगा. हेड के बाद बीन लगाना मत भूलना. प्यारे बच्चों आगे याद सुन लो ध्यान से, इज एम आर के बाद बींग मत लगाना, मत बोलना, बी ई आई एन जी, बींग. ठीक है, लिखते चलना, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. वाज वर के बाद भी क्या लगेगा? बींग, बी ई आई एन जी. और विल और शैल के बाद ध्यान से सुन लो, बी लगेगा, बी ई बी. और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं, इन सब के बाद वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म आएगी. इनके बाद वर्ब की केवल और केवल कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म. चेक कर सकते हो, पहले तो आप लोग चेक कर लो, हैज हैव और हैड जहां पर भी आया वहां पर क्या आना चाहिए? बीन. हैज हैव, देखो यहां पर क्या आया? हैज. तो क्या आया? बीन. बिल्कुल सही था. यहां पर क्या आया? हैड. हैड के बाद बीन लगा हुआ है, बिल्कुल सही है. आगे देखो यहां पर क्या है? कैन. तो देखो विल शैल कैन कुड सुन रखा आपने, इनके बाद क्या आएगा? बी. और देखो तीसरी बात, अब इनके बाद क्या आना चाहिए? थर्ड फॉर्म. तो देखो ये भी थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म, और ये भी थर्ड फॉर्म है. याद रखोगे मेन मोटी मोटी बातें जो लिखनी थी पैसिव वॉइस को लेके, वो आप यहां पर लिख सकते हो जल्दी से. पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे के साथ एक बात लिख लीजिए. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो एक बार इनको फटाफट उतार लो. छठे क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड भी आते हैं फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से देखिए. अगला जो वर्ड है अपना वो है इडियम्स एंड फ्रेज को लेके. अगला क्वेश्चन है इडियम्स फ्रेज के ऊपर, तो मतलब लोकोक्ति और मुहावरों के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछते हैं वो. मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट जो मैं पैटर्न बता रहा हूं इसी पैटर्न को वो फॉलो करेंगे. सबसे पहला जो वर्ड है उसको देखो एक बार जल्दी से, टू फ्लोग आ डेड हॉर्स. तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इडियम्स फ्रेज को सही करने का एग्जैक्ट जो सही तरीका है वो क्या होना चाहिए समझिए. आपको पेपर में जो स्टेटमेंट लिखी मिलेगी उसके अंदर आपको लिखा मिलेगा हॉर्स, शीप, लॉयन, डंकी, ठीक है, कुछ भी लिखा मिले, पिकॉक मिले, पिजन मिले, रैबिट मिले, कुछ भी मिले. आपको याद रखना है कि आंसर के अंदर उसका 99% कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है. मतलब इस हॉर्स का इस आंसर से कोई लेना देना नहीं होता है, इस बात को आप मत भूलो. तो सीधी बात यह है कि 99% आपने ऐसे वर्ड को तो पिक नहीं करना जो इसके आंसर के अंदर हो. तो मतलब सबसे पहले हमने देखा कि इसके अंदर पहले ऑप्शन में हॉर्स आ गया, तो इसको हम सबसे पहले गलत कर देंगे. याद रखोगे? दूसरी बात, अगर ऑप्शन में आपको डेड मिले, जैसे डेड हॉर्स है, तो डेड हॉर्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो डेड वाली चीज भी और भी जहां पर भी मिलती है तो वो भी गलत होगी. तो आपको ये जरूरी है कि इसका पता होना चाहिए विप, कि विप माने क्या होता है. अरे विप का पता होता तो हम इसका आंसर सही कर देते, क्या पता. लेकिन आपको याद रखना जरूरी है, आपको इसका पता हो, आपको इसका पता है कि ये तो नहीं हो सकता. तो देखिए जल्दी से, विप का मतलब होता है किसी को पकड़ के खींच के लेके जाना. छोटे बच्चे को जब स्कूल में पकड़ के लेके जाते हैं वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, उसको जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं. तो कई बार उसको पकड़ के खींचना, उसी को ड्रैग करना, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विप कहते हैं. तो मतलब ये पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत हो गया.
दूसरा ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि ये होना चाहिए अटेम्प्ट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क, कि मुश्किल काम करने की कोशिश करना। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को पढ़ने से पहले एक बात आप ध्यान से सुन लो कि अगर आपको इस फ्लॉग का मीनिंग पता चल जाए तो आप इसका आंसर देने में जल्दी से जल्दबाजी नहीं करोगे और एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप दोगे। तो देखिए, फ्लॉग जो वर्ड है, इस फ्लॉग का मतलब होता है पीटना। फ्लॉग माने पीटना, किसी को बीट करना, ठीक है। फ्लॉग माने क्या होता है, पीटना। तो पीटने को फ्लॉग कहते हैं। तो देखो, मरे हुए घोड़े को जब आप पीटोगे तो आप कैसा काम कर रहे हो, इम्पॉसिबल काम कर रहे हो, बताना एक बार जरा। नहीं भाई, मरे हुए घोड़े को तो पीट सकते हैं, इसमें इम्पॉसिबल क्या है। कोई चीज मरी हुई है, कोई चीज नॉन लिविंग है, उसको हम पीट सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। तो मतलब क्या है, टू वेस्ट वंज एफर्ट्स, मतलब अपने एफर्ट्स, अपने जो प्रयास किए हैं उसको वेस्ट कर देना, मतलब फालतू का काम करना। लग रहा है ना कि मरे हुए घोड़े को पीटना मतलब उठा के बोलना कि अरे चल चल ये काम कर, हट खड़ा हो, उसको पीट रहे हो कि चलो चलो काम करो, तो वो काम नहीं करेगा। मतलब क्या कर रहे हो, आप फालतू का काम करने की कोशिश कर रहे हो, अपने जो एफर्ट्स हैं उनको वेस्ट कर रहे हो। मतलब इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो ये होगा, बात समझ भाई। ये भी नहीं होगा टू टेक एडवांटेज ऑफ वीकनेस, कमजोरी का फायदा उठाना। कमजोरी का फायदा थोड़ी ना उठा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर रहा है, फालतू के काम कर रहा है। इसी का सिनोनिम एक बार एक और बताता हूं फ्रेंड्स, याद रखना कि टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का सिनोनिम जो होगा वो होगा ए वाइल्ड गूज चेस। अ वाइल्ड गूज चेस ये जो है, वाइल्ड गूज चेस ये जो है, वाइल्ड गूज चेस ये इसी के लिए बना है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स ये सेम है। इसके लिए भी आपको ये चार ऑप्शन मिलेंगे, तो याद रखना यहां पर आ जाएगा हॉर्स की जगह गूज आ जाए, गूज मानी जंगली बतख। अब जंगली बतख को पकड़ना, उसको चेस करना, उसका पीछा करना क्या है, मुश्किल है। सीधी सीधी बात है कि आप उसको पीछे उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, कभी वो उड़ जाएगा, कभी पेड़ पे चला जाएगा, कभी जो झाड़ियां हैं उनके नीचे से निकल जाएगा, कभी पानी में चला जाएगा। आप उसको पकड़ने को 100 कोशिश करोगे लेकिन आप लोग नाकाम रहोगे, तो आपको कोई बोलेगा कि भाई आप अपने एफर्ट्स हैं वो वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप इसको नहीं पकड़ सकते। जंगली बतख को आप नहीं पकड़ सकते, उसको चेस मत करो, पीछा मत करो। तो इसका इसके लिए भी जो आंसर होगा अपना एग्जैक्ट वो क्या होगा, वेस्ट वंज एफर्ट। अगला सातवां जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है स्पेलिंग चेक, मतलब आपके सामने आपको चार स्पेलिंग लिखे मिलेंगी, हो सकता है अलग अलग वर्ड मिले, समझ गए। तो आपको इन चारों वर्ड्स को पढ़ के एक स्पेलिंग पिक करने की कौन सी सही है, और हो सकता है आपको एक जैसा शब्द मिले, मान लो कंसीव मिले और कंसीव के ऊपर ही इसकी स्पेलिंग में अलग कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको कुछ भी मिले आपको एक गलत स्पेलिंग को पिक करना है कि ये स्पेलिंग गलत है, या फिर आपको चार स्पेलिंग मिलेंगे उनको कौन सी सही है वो आपको पता करना है। अभी स्पेलिंग को चेक करना है कि कौन सी स्पेलिंग इनमें से गलत है। तो देखिए एक बार जल्दी से, आपने देखा कि स्पेलिंग में देखो सी ओ एन सी ई आई वी ई, इसके एंड में भी आर ई सी ई आई वी ई, इसके एंड में भी ए सी एच ई आई वी ई, इसके एंड में भी डी ई सी ई आई वी ई, है ना, सबके एंड में क्या सेम आ रहा है, ई आई वी ई, ई आई वी ई इन चारों के एंड में आया है। तो फ्रेंड्स याद रखना, आपको आपको अगर नहीं पता तो भी आप देखो कि अचीव की जो स्पेलिंग है वो ऐसे नहीं आती। आपने कभी अचीव लिखा हो तो ध्यान से देखो, ए सी एच आई ई वी ई होता है अचीव, अचीव की जो स्पेलिंग है ए सी एच आई ई वी ई होता है। आपको चार स्पेलिंग देख के ऐसा लग रहा होगा कि अचीव की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन एक्चुअल में आप चेक कर सकते हैं अचीव की जो स्पेलिंग है वो ये होगी, बाकी तीनों स्पेलिंग यहां पर गलत है, सॉरी सही है, इसकी स्पेलिंग गलत थी, हमने इसको पिक कर लिया, बात समझ भाई। तो आपको स्पेलिंग भी एक पूछ सकता है, एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे पूछेगा। आगे फाइंड आउट द बेस्ट एक्सप्रेस, थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स आपको मैंने आपको बताया था कि बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, बेस्ट एक्सप्रेस लिख देगा चाहे वो उसका सिनोनिम लिख देगा, सिनोनिम, तो सिनोनिम का मतलब भी सेम वर्ड होता है, बेस्ट एक्सप्रेस होता है। तो देखिए सबसे पहले जो वर्ड देखा आपने प्रोटीन, क्या है ये, इसका मीनिंग बताना है, इसका सिनोनिम क्या होगा प्रोटीन का। तो प्रोटीन देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि प्रोटीन तो वही होगा शायद जो हम खाते हैं, जो हमें दाल से, एग से, या फिर आपका नॉन वेज से मिलता है या दूध से मिलता है, तो वो प्रोटीन। लेकिन प्यारे बच्चों उसकी स्पेलिंग अलग होती है, और ये जो है वो प्रोटीन है, प्रोटीन।
तो एज याद कर लो प्रोटीन का मीनिंग क्या होना चाहिए। तो देखिए एक बार प्यारे बच्चों, प्रोटीन को याद करने का तरीका मैं बताता हूं। प्रोटीन खा के जो जो व्यक्ति प्रोटीन खाते हैं, जिम जाते हैं और प्रोटीन खाते हैं, उनका जो जो बॉडी है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। प्रोटीन खाने से बॉडी क्या हो गई, चेंज हो गई, बदल गई है। तो प्रोटीन का मतलब क्या होता है, चेंज होना, चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम क्या हो जाएगा, चेंजिंग। तो आप कहोगे ये तीन ऑप्शन बच गए, फिर इनका क्या मतलब। तो प्यारे बच्चों मैंने एमएचआर जो वर्ड है इसका मीनिंग बता रखा है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछली मैंने 8 से 10 वीडियोस बना रखी हैं वोकैब सेशन को लेके, आप उन्हीं सारी वीडियोस को देखो और उनमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन वहां से आए और उस वो चीज आपके लेवल को, आपके स्टैंडर्ड को, आपके गेटअप को, सेटअप को, हर चीज को वो चेंज करेगी और ऊपर उठाएगी। तो देखिए एमेच्योर माने होता है शौकिया, जो व्यक्ति किसी काम को शौक के रूप में करता है, शौकिया जो इंसान होता है वो एमेच्योर होता है, एमेच्योर। इसकी स्पेलिंग भी एसएससी के पेपर में आई हुई है, इसको याद रखो, AMATEUR, एमेच्योर। एमेच्योर की स्पेलिंग पेपर में आई हुई है। दूसरा सिमिलर का मीनिंग तो आपको पता है, सिमिलर मतलब एक जैसा होता है, एक जैसा उसके जैसा। आगे चेंजिंग पता, गैरुलस, गैरुलस होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, टॉकेटिव पर्सन, टॉकेटिव को याद कर लो। टॉकेटिव का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत बातें करता है, ऐसा इंसान जो टॉक करने में एक्टिव रहे। देखो एक्टिव की स्पेलिंग में ACTIVE सी आता है, लेकिन ये हम रूल बना रहे हैं, लॉजिक बना रहे हैं याद रख, ताकि जल्दी याद रहे। टॉकेटिव, टॉक करने में एक्टिव रहे। तो प्यारे बच्चों आज हमने 8 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो 8 क्वेश्चन नहीं पढ़े। आप कहोगे कि आधे घंटे में सर 8 क्वेश्चन ही हुए, नहीं प्यारे बच्चों 8 क्वेश्चन नहीं, आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारे हमने रूल डिस्कस किए हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को लेके, नरेशन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे और साथ के साथ में इडियम्स फ्रेज भी, एंटोनिम सिनोनिम भी, फिलप्स में भी आपने आपका आर्टिकल जो था और प्रेपोजिशन था, हर चीज को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगती है। हरी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 2 देखना ना भूले, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बिल्कुल इसी टाइप का आएगा। थैंक यू वेरी मच और हैप्पी दिवाली।